दोस्तों 12 अप्रैल को खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच यह महामुकाबला। चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 घोषित, मोइन अली को लेकर आई बड़ी अपडेट। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर जानेंगे आज के इस वीडियो में, मगर उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि CSK से जुड़ी हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों IPL 2023 में चेन्नई सुपर किंग का चौथा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला जाना है। CSK और राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मुकाबला 12 अप्रैल को खेला जाएगा। ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा जो कि शाम 7:30 पर शुरू होगा। दोस्तों CSK की बात करें तो CSK ने अभी तक 3 मैच खेला है जिसमें पहले मुकाबले में CSK को गुजरात के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद चेन्नई की टीम ने जबरदस्त वापसी की, पहले लखनऊ सुपर जायंट्स को फिर मुंबई इंडियंस को हराया है। अभी तक चेन्नई सुपर किंग का प्रदर्शन जबरदस्त रहा, आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे तो प्ले ऑफ में भी जगह बना लेंगे। चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मुकाबले में CSK ने शानदार प्रदर्शन किया। मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 157 रन बनाए। बाद में CSK के बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन की और चेन्नई की टीम ने इस मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर से 40 रन बनाकर नाबाद रहे। ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। दूसरी ओर अंकिजय रहाणे ने 27 गेंदों पर 61 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं शिवम दुबे 28 रन बनाने के बाद आउट हुए तो अंबाती रायडू 20 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा ने भी गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया और 3 विकेट अपने नाम कर लिए। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दीपक चहर इस समय चोटिल हैं और उनका राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। उनकी जगह तुषार देशपांडे को मौका दिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मथीसा पथिराना को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। पथिराना शुरुआती मुकाबले में नहीं थे लेकिन वह इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। मोइन अली और बेन स्टोक पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे लेकिन मोइन अली और बेन स्टोक राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में उपलब्ध है। अब देखने वाली बात यह होती है कि इन दोनों में से किसे प्लेइंग 11 में मौका मिलता है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में CSK के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, अंकिजय रहाणे, शिवम दुबे, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, डेवोन प्रिटोरिया, मिचेल सेंटनर, राजवर्धन हेंगेकर, मथीसा पथिराना और तुषार देशपांडे। तो दोस्तों आपके हिसाब से CSK की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, नीचे आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।